शामपुर में बुधवार की शाम कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर, जिला पुलिस अधीक्षक सशिंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में शांति व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर के प्रमुख मार्गों से निकाले गए फ्लैग मार्च में शामिल पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, शामपुर भाजपा मंडल सहित गणमान्य नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। फ्लैग मार्च में SDOP CM द्विवेदी, शामपुर तहसीलदार शैलेश द्विवेदी, शामपुर TI राय सिंह यादव, दोराहा TI अहमदपुर TI शैलेंद्र कुमार तोमर, नायब तहसीलदार ज्योति पटेल, नायब तहसीलदार देशमुख सहित पुलिसकर्मी और शासकीय सेवक शामिल रहे। विधायक प्रतिनिधि गोविंद पाटीदार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम पर पत्रकार रवि पुष्पत ने भी साथियों के साथ फ्लैग मार्च पर फूल बरसाए। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष गुलाब प्रजापति, मोहन सिंह भाटी, शैलेंद्र राजपूत, विष्णु महेश्वरी, दिलीप ठाकुर, छगन लाल पाटीदार, प्रेम नारायण पाटीदार, अचल सिंह डांगी, सुरेश खत्री, प्रशांत जोशी, शरण वाल्मीकि, मांगीलाल अहिरवार, बबलू मालवीय, मुकेश ठाकुर, सुरेंद्र डांगी सहित ग्रामवासी शामिल रहे। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार रवि पुष्पत की रिपोर्ट।